अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सभी का खुश आमदीद करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ एवरी थिंग्स में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफिस से होंगे। तो दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में कोविड-19 फैला हुआ है और दुनिया कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर चुकी है और हम लोग अपने घरों में बंद है और ये हमारे लिए सेफ भी है। मगर घर में कैद रहते रहते हमारा दिल भी बेचैन हो चुका होगा। हमारा दिल बाहर घूमने और सैरो तफरी का भी करता होगा, मगर खुद को सेफ रखने और फैमिली को भी सेफ रखने के लिए हमारे घर में रहना भी ज़रूरी है। मगर दोस्तों, आज हम लोग घर में रहते हुए ही एक बहुत ही बेहतरीन जगह की सैर करने वाले हैं। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते आज का अपना ये वीडियो। आज हम लोग एक हसीन और जमील महल मार्बल पैलेस की सैर करने वाले हैं। ये महल तारीखी नुक्ता निगाह से बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये 19वीं सदी की सबसे बड़ी महल है। ये हिंदुस्तान के स्टेट वेस्ट बंगाल के सुमाली कोलकाता में वाक़ है। ये 19वीं सदी की सबसे महफूज तरीन घर है। ये अपनी संगमरमर की दीवारों, स्कल्पचर और फर्श के लिए काफ़ी मशहूर है। चूँकि ये महल पूरा संगमरमर से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नाम मार्बल पैलेस रखा गया था। इस महल को 1835 में राजा राजेंद्र मलिक ने बनवाया था। राजा राजेंद्र मलिक बंगाल के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मुख्तलिफ तरह के आर्ट्स को जमा करना इनका सबसे पसंदीदा हॉबी था। मलिक साहब की नस्लें आज इस महल को एक रहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। राजेंद्र मलिक दरअसल नीलमोली मलिक के गोद लिए हुए बेटे थे। नीलमोली मलिक ने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। इसी मंदिर को देखकर राजेंद्रनाथ मलिक ने मार्बल पैलेस बनाने की पेशकश की थी। अगर हम लोग इस महल की आर्किटेक्चर की बात करें तो ये महल न्यू क्लासिकल स्टाइल के तर्ज पर बनवाया गया था। इस महल की कोर्टयार्ड काफ़ी बड़ी है और ये बंगाली रिवायत को जाहिर करती है। यहाँ एक ठाकुर दलान है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लोग इबादत गाह के तौर पर करते हैं। ये एक 3 मंजिला इमारत है जो काफ़ी लंबी और बुलंद है। इसके अलावा इस इमारत की वारांडास को काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। महल की छत चीनी अंदाज में बनाई हुई है। महल के अहाते में एक बाग, एक रॉक गार्डन, एक झील और साथ ही साथ एक छोटा सा जू भी मौजूद है। मार्बल पैलेस में बहुत सारी वेस्टर्न स्कल्पचर, विक्टोरियन फर्नीचर्स और इंडिया और यूरोप की बहुत सारी पेंटिंग्स मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ और भी मुख्तलिफ अकसाम की सजावटी सामान मौजूद हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा फानूस, पुराने ज़माने की घड़ी और मुख्तलिफ अकसाम के आईने मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पीटर पॉल रुबिन्स की 2 मशहूर पेंटिंग्स भी रखी गई है। यहाँ के मजमूए बहुत ही सुहाने हैं, मगर ये मजमूए बेतरतीब रखे गए हैं। मार्बल पैलेस चूँकि एक रिहाइशगाह है, इसलिए यहाँ पर तस्वीर कशी करना सख्त मना है। इस महल में दाखिले के लिए सयाहों से किसी भी तरह का कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। लेकिन इस महल में दाखिले के लिए एक दिन पहले वेस्ट बंगाल टूरिज्म इंफॉर्मेशन ब्यूरो कोलकाता से इजाज़त लेनी पड़ती है। यहाँ गाइड का ग्रुप पाया जाता है जो यहाँ आने वाले ट्रैवलर्स को पूरे महल की सैर करवाते हैं। इसके अलावा इस महल के बहुत सारे हिस्सों में ट्रैवलर्स का जाना मना है। मार्बल पैलेस हर सोमवार और जुमरात को छोड़कर सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, आज का मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचें।